आज मैं आपको बताऊंगी, नवजिया का सीज़न चल रहा है तो इस नवजिया के सीज़न में आप इजीली नवजिया को कैसे ग्रो कर सकते हैं विदाउट एनी, कोई भी आपके पास अगर अच्छी उपजाऊ चीज़ ना हो तो भी ये बहुत इजीली से ग्रो कर सकती है। मेरे पास अभी मैंने एक प्रीवियस वीडियो आपके साथ शेयर भी किया था तो उसमें ये मैंने आपको दूसरे में शिफ्ट करके बताया था, सिखाया था, तो उन्हीं पत्तों को रिमूव किया था। तो आपके पास सूखे पत्ते हों या कोई अच्छी खाद हो या अच्छी खाद नहीं है तो आपने जैसे अपना ये गार्डनिंग की, गार्डनिंग करने के बाद जो भी आपका वेस्ट मटेरियल निकलता है गार्डनिंग से वो आप इसमें डाल देंगे, फिर आप इजीली सिंपल ये एक छोटी सी ये जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं इनको रिमूव करके आप गमले में अच्छे से इनको भर दीजिए। और नवजिया के टहनियों को ना मैंने पहले ही थोड़ा सा तोड़ के रख लिया था, इसलिए इनको तोड़ के रख लिया था कि अगर आपके सामने तोड़ूंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा वीडियो में, है ना। तो इसको पहले ही ऐसे इसकी ये छोटी छोटी जो ये पत्तियाँ होती हैं इनको रिमूव कर लेते हैं, और इनको ये देख रहे हैं ना आप ये साइड से, इनको जहाँ से लगाना हो वो डंडी बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं, और साफ़ करने के बाद इनको रख लेते हैं। और तब तक ये एक प्लास्टिक का मेरे पास कंटेनर था आपको खाली दिखाने के लिए, मेरे पास नवजिया बहुत ही कलर्स में है, बहुत ही शेड्स में है और बहुत ही अच्छी लगी हुई है, लेकिन बस वीडियो बनाने के लिए और आपको दिखाने के लिए मैंने एक सिंपल सा ये पड़ा हुआ था तो मैंने ये एक जार ले लिया, उस जार में मिट्टी भरी और मिट्टी भरने के बाद इसको मैं आपको ग्रो करके दिखाऊंगी। और बहुत ही सिंपल आसानी से ग्रो हो जाती है, इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगते और जब इसके फूल खिलते हैं तो ये उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है जो नवजिया से बहुत प्यार करते हैं। देखिए आप इनको बस ऐसे सिंपल से ऐसे स्टिक ऑन करना और छोड़ देना, स्टिक ऑन एंड लीव, स्टिक ऑन एंड लीव, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल तरीका है, जो फर्स्ट टाइम गार्डनिंग का शौक क्रिएट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं मुझे ज़्यादा एफर्ट भी ना लगे और अच्छा नेचर भी दिखे, तो नवजिया ही ऐसी है जो आपको कम एफर्ट में अच्छे फूल खिलाकर आपको खुशी देगी, क्योंकि इसी में बहुत प्यारे प्यारे फूल आते हैं और ये बहुत सुंदर लगती है और बहुत इजीली ग्रो हो जाती है, कोई एफर्ट नहीं, आप जैसे भी लगा दोगे ये चल जाती है। आप इसको, इसके लिए धूप सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो धूप का होना, आप इसको अच्छी धूप दीजिए जिससे कि ये अच्छे से ग्रो करे और आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग करे। इसको ऐसे ऐसे शेड कर लेंगे जिससे ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी, 24 आवर्स होने के बाद इसकी पत्तियां स्वतः ही खुल जाएंगी, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बहुत इजीली लग जाएगा ये प्लांट। बस ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देंगे, डालने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम गार्डनिंग को प्लान करने का सोच रहे हैं, या होता ही है कि कभी कभी इंसान अपनी चीज़ों से हटकर कुछ नया करने की सोचता है, तो फिर ये है कि चलो फूल ही लगाए जाए, और फूल ये ऐसे हैं जो कम इफ़र्ट, कम पैसे और कम उसमें आसानी से लग भी जाते हैं, ग्रो भी हो जाते हैं और पैसा वसूल फ्लावर है। हल्का सा वाटरिंग कर देंगे, हल्की सी वाटरिंग करेंगे, नेक्स्ट डे आप इसमें अच्छे से पानी डाल देंगे। वीडियो को, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।